वाला हूँ जो HDFC बैंक और ICICI बैंक में जिस तरीके की डिलीवरी बाइंग हो रही है हर्षदा, कल भी जब बड़ी डिलीवरी बाइंग हुई थी, आज भी यहाँ पर बड़ी डिलीवरी बाइंग हुई है। अब एक काम करते हैं, अब इसको कैसे बोले, INV एसेट या इन्वेस्ट एसेट, चलिए पूछ लेते हैं। इनके रिसर्च हेड और पार्टनर अनिरुद्ध गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अनिरुद्ध गर्ग ने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। इनफैक्ट मार्केट में उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स रहे हैं, सरकारी बैंक्स, रेलवे, डिफेंस, और एक साल में करीब करीब 75% का रिटर्न रहा है। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो क्या ये INV एसेट बोलें या इन्वेस्ट बोलें, कैसे प्रोनाउंस करना है इसको? इन्वेस्ट इन्वेस्ट अनुज जी, ओके, अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एसेट। इन्वेस्टमेंट और एसेट। ओके ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो आपने एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले एक साल में, और आपके पोर्टफोलियो में वही स्टॉक्स हैं जो मेरे ख्याल से चल रहे हैं काफ़ी। PSU बैंक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स आपने सारे के सारे भरे हुए हैं यहाँ पर, और पावर स्टॉक्स, मजगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, डिफेंस, सब कुछ है आपके पोर्टफोलियो में। तो अब प्रेशर होगा आपके ऊपर इस परफॉर्मेंस को रिपीट करने का। क्या व्यू बन रहा है पहले तो ये बताइए, जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसी पर क्या व्यू बन रहा है? अनुज जी, हमें बहुत ही ज्यादा क्लियर था पिछले एक साल से कि ये एक ओल्ड इकोनॉमी रन है। तो ओल्ड इकोनॉमी रन में दो ही चीजें चल सकती हैं, या तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स चलेंगे या केपेक्स थीम चलेगी। इंडिया वाज द ओनली कंट्री जहां पे केपेक्स थीम वाज इंटैक्ट, एंड गोइंग इनटू द इलेक्शन ईयर द गवर्नमेंट केप अप विद 19.5% बजटरी एक्सपेंसेस टुवर्ड्स केपेक्स। सो वी वर वेरी वेरी बुलिश ऑन ऑल द थीम्स दैट वर रिलेटेड टू केपेक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन एन ओल्ड इकोनॉमी रन हमें ये भी क्लियर था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनमें जो बुरा होना था वो हो चुका है। जो लॉज आने हैं, IBC और NCLT लॉज आ चुके हैं, अब ये नई बुक्स बनाएंगे, नए प्रॉफिट जनरेट करेंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स, ये जो लेंडिंग होगी उतनी अच्छी शायद ना हो जितनी प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स करते हैं, पर वैल्यूएशन डिफरेंस बहुत ज्यादा था एक साल पहले। अगर आप देखिए तो HDFC या कोटक 1.5 साल पहले 6-6.5 प्राइस टू बुक्स पे थे, और ये सब 1 से भी नीचे। तो ये जो री रेटिंग होनी थी बाजार में, इसको लेके हमने ये सब स्टॉक्स लिए थे। हमें आगे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा एग्जूबरेंस इस इलेक्शन रिजल्ट से मार्केट में आया है, और थोड़ी सी रैली मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप्स की तरफ जाएगी। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है, जो ब्रॉड ट्रेंड है, जो फेवर कर रहा है केपेक्स को, PSUs को, PSU बैंक्स को, कैपिटल गुड्स को, वो अगले साल से 2 साल तक इंटैक्ट रहेगा। अनिरुद्ध, गुड आफ्टरनून। मैं इनफैक्ट आपका जो पोर्टफोलियो देख रही थी, आपके पोर्टफोलियो ने पिछले एक साल ने करीब 75% का कमाल दिखाया है रिटर्न्स के लिहाज से, जहां पर BSE 500 करीब 16% तक के रिटर्न्स दे चुका है। अब आपका एक मल्टी एसेट अप्रोच थी, आपने अभी अभी मेंशन किया कि मिड और स्मॉल कैप्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। इस समय कई लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ से अगला बड़ा पैसा शायद लार्ज कैप्स में आएगा। क्या आप यहाँ पर थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करने वाले हैं? क्या आपके आउट परफॉर्मिंग मिड कैप्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ और दिग्गजों में पैसा फ्लो होने का इरादा है? क्या ये कुछ चेंज करने वाले हैं आप अपने पोर्टफोलियो में? जी हाँ, हम कुछ सोच रहे हैं कि हम लार्ज कैप्स की तरफ जाया जाए, पर हमारा ओवरऑल टेक ये है कि जो मिड कैप्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, वो आउट परफॉर्मेंस वो शायद आगे ना दिखाएं, पर लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म तो नहीं करेंगे। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कोल्ड इकोनॉमी रन वैल्यू की तरफ फोकस करता है, और वैल्यू अगर आपको ढूंढनी है तो वैल्यू आपको मिड एंड स्मॉल कैप्स में ही ज्यादा मिलती है, लेदर देन लार्ज कैप्स। और स्पेस जहाँ पर आपने पैसा बनाया है वो है ये सेकेंड टियर लिकर स्टॉक्स, जैसे कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज, सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पर क्या कहानी है आपके हिसाब से, और यहाँ पर अब क्या करें? यहाँ पर जो प्रीमियमाइजेशन की कहानी है अनुज जी, कि दीज कंपनीज आर टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स द प्रीमियमाइजेशन दैट इज हैपनिंग इन इंडिया। ये लोग नए स्टेट्स में जा रहे हैं और अपना जो बेस है उसको बढ़ा रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, और उससे हमें ये लगता है कि आने वाले कुछ समय में दे विल बी गुड, वेरी गुड बेट्स। ओके अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके पोर्टफोलियो में लार्जेस्ट होल्डिंग्स मजगांव शिप 7.4%, कोचिन शिपयार्ड 6.6%, और ये रेल विकास निगम लिमिटेड 7.8%। ये अब क्योंकि ये प्राइसेस भाग गए हैं इसकी वजह से, टीतागढ़ 7.33%,
ये 4-5 स्टॉक्स कुल मिलाकर ही 25% से ऊपर हो गए पोर्टफोलियो का, ये बिकॉज पोर्टफोलियो में जंप आया, ये आपने वाकई में ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग ली थी? अनुज जी, ये पोर्टफोलियो में ये सब जो भी आप स्टॉक्स देख रहे हैं ये 1-2% के बीच हमारे पोर्टफोलियो के लिए गए, अराउंड 35 स्टॉक्स हैं हमारे पास, तो कोई भी स्टॉक ओरिजिनली 2.5% से ज्यादा नहीं लिया गया, तो ये जंप, वी नेवर सेल आर लूजर विनर्स, दैट इज व्हाई ये बढ़ के इतना हो गए हैं। इंटरेस्टिंग, अब यहाँ से आगे स्पेशली बैंकों को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी व्हेन द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सब में तगड़ी तेजी देखने को मिली है और आपके पोर्टफोलियो में लार्जली वो सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक जैसे ट्रेड्स हैं? देखिए, हम ये बिलीव करते हैं कि लेंडिंग एक बहुत ट्रिकी बिजनेस है। जिसने भी पिछले 10 साल में लेंडिंग में जिसका स्टॉक ऊपर गया, जिसने अच्छी लेंडिंग करी है, अच्छी बुक्स बनाई है, उसको अगले 10 साल में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब आप ये देखिए कि हमने कभी नहीं सोचा था कि रिटेल में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, पर आरबीआई ने अब अपनी गाइडलाइंस में बताया है कि रिटेल में भी उनको कुछ प्रॉब्लम दिखती है। सो दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेनन इन द लेंडिंग बिजनेस वेयर वी फील दैट लास्ट 10 साल में जो चीजें चेंज हुई हैं उस कारण जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं They will get more market share and they will the stocks would even prosper, their top and bottom line both would be better than the public sector, private sector banks. HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank were the favorites of the last run. That is why we are not taking any positions in HDFC and Kotak Mahindra Bank until and unless the markets they become expensive. When the markets they become expensive, we reduce our beta and move towards more quality. जब हम उस क्वालिटी के फेज में जाएंगे तब जाके हम एचडीएफसी और कोटक बैंक के बारे में सोचेंगे, तब तक तो जो इस रन के नए विनर्स हैं हम उन पे ज्यादा फोकस करना चाहेंगे। एक अपार इंडस्ट्रीज ने भी काफी पैसा बनाया आपके लिए, यहाँ पर क्या कहानी रही? क्योंकि एक मैं इसका चार्ट देख रहा था, पिछले एक साल में इसमें एक वन वे मूव आया 1500 से 5500 तक में। किसकी बात कर रहे हैं? अपार इंडस्ट्रीज। सर, अपार इंडस्ट्रीज इज हमारी इंडियन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का एक आई वुड से वन ऑफ, हम यहाँ पे अपने इन्वेस्टर पे इसको बोलते हैं द गोल्डन स्टार, अ कंपनी विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस एंड द स्कोप इज इमेंस, दैट इज द ग्रोथ, द साइज ऑफ द ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट लिमिटेड। सो अपार इज वर्किंग इन ऑल क्वार्टर्स, बीट कैपिटल गुड्स, बीट वायरिंग्स, बीट मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी पोर्टफोलियो हो सकता है सब पे अपार काम कर रही है और बहुत ही इफेक्टिव मैनेजमेंट है। एंड हम इसको कुछ जो कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी मिलती हैं जो अपने बलबूते पे काम करती हैं और इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बना के देती हैं, वी फाइंड इट वन ऑफ दोज कंपनीज। ओके अनिरुद्ध, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और होप करूंगा कि हम ऐसे फ्यूचर में बात करते रहें और आपसे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेते रहें आपके पोर्टफोलियो के ऊपर और मार्केट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।